हेलो एवरीवन, कुछ दिन पहले मैंने एक मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो आज आ चुका है और उसी प्रोडक्ट का मैं आज रिव्यू और अनबॉक्सिंग दोनों एक साथ करने वाली हूँ। तो ये रहा वो पार्सल जिसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगी। लेट लेना चाहिए था। बीच में से ही काटना पड़ेगा। उस पार्ट से मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे मेरा डिटेल्स, मेरा घर का डिटेल्स, मेरा फ़ोन नंबर सब कुछ लिखा हुआ था, तो इसी वजह से इस साइड से मैं कर रही हूँ। सो ये है वो प्रोडक्ट, मैं बता ही देती हूँ ये क्या है। ये लिपस्टिक्स है, ये जस्ट हर्ब्स का लिपस्टिक्स है। आप में से बहुतों के फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, यूट्यूब एड्स में ये जस्ट हर्ब्स के लिपस्टिक का ऐड तो देखे ही होंगे और मैंने भी देखा था, तो इसलिए मैंने परचेस किया कि देखा है इसमें ऐसा क्या है जो इतना ऐड आता है। सो इसलिए मैंने फाइनली ये परचेस कर ही लिया। सो इसके ऊपर अभी एक प्लास्टिक रैप किया हुआ है, उसको मैं काटती हूँ। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, यहाँ पे जो जो एड्स मैंने देखे हैं इस लिपस्टिक के बॉक्स के, वहाँ पे ऐसे पिक्चर दिया हुआ था कि ये काफ़ी बड़ा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका साइज आप देख सकते हैं, ये रहा हाथ और ये रहा बॉक्स, मतलब ये इतना छोटा है और इसमें 10 से ज़्यादा लिपस्टिक्स हैं जो कि प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। वही देखती हूँ पहले। अभी मेरे पास कोई ब्लेड नहीं है इसलिए हाथ से या फिर कैंची से काम चला रही हूँ। ये रहा वो, इसमें अंदर भी है। इसमें टोटल 16 है और जो कि आप देख सकते हैं कि ये ही इतना छोटा है, तो ये तो काफ़ी छोटा होगा, एक उंगली के बराबर। सो अभी मैं दिखाती हूँ इसका कलर्स। यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई शेड का नेम नहीं लिखा हुआ है, कोई शेड का नाम नहीं लिखा है, बस एक नंबर दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिपस्टिक्स के बारे में सिर्फ यही दिख रहा है, इसका वेट, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसका शेल्फ लाइफ और इसका दाम। सो इसका शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स का और इसका प्राइस है 575 और इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया था और वहाँ पे मुझे इससे काफ़ी कम दाम में मिला डिस्काउंट में। नीचे मैं लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से चेक कर सकते हैं कि अभी इसका प्राइस कितना है, क्योंकि प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो अभी चेक कर लीजिएगा। तो अभी मैं देखूंगी इसका शेड्स कैसा है। पहले हाथ में आया एक 14 नंबर का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्रेयॉन को हाथ में लगा रही हूँ। ये जब सुबह आया था, मतलब ये पार्सल जब सुबह आया था, मुझे पता था कि यही पार्सल आया है। आने के बाद मैंने डायरेक्ट इसको, मतलब इस पैकेज को, पार्सल को मैंने डायरेक्ट फ्रिज में रख दिया था और अभी शाम है, शाम के वक्त ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसीलिए ये काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है क्योंकि ये इतना पतला है कि आसानी से टूट सकता है। मैं लास्ट में इसमें से एक लिप्स पर लगा कर भी दिखाऊँगी क्योंकि कुछ साल पहले मैंने एक वेबसाइट से कुछ लिपस्टिक परचेस किया था, तो वो लिप्स पर लगाने के बाद मुझे काफ़ी इचिंग होता था और कुछ दिन बाद, मतलब मुझे पता नहीं चलता था कि ये लिपस्टिक के लिए ही हो रहा है, इतना ध्यान नहीं देती थी। तो वो लिपस्टिक लगाने के बाद ही मुझे लिप्स पर इचिंग होता है, मतलब, और साथ में लिप्स काला भी पड़ रहा था, तो तभी मैंने यूज़ करना स्टॉप कर दिया। तो मेरे लिप्स पर सब लिपस्टिक सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं आपको लिप्स पर यूज़ करने के बाद कोई इचिंग होता है कि नहीं वो भी आपको बोलूँगी। सो मैंने सब स्किन पर लगा लिया है और आप ये कलर्स देख सकते हैं। तो ये रहा लिपस्टिक्स और लिपस्टिक्स का शेड्स। कुछ कुछ ऐसे लिपस्टिक्स है जो ऑलमोस्ट सेम कलर का है,
जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप अलग अलग यूज करके देखेंगे तो आपको शायद ये कलर्स सेम ना लगे। सो ये रहा टोटल 15 लिपस्टिक्स फ्रॉम जस्ट हर्ब्स, और जो कि बोला गया है कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खराब इफेक्ट आएगा, तो इसलिए इसमें से एक लिपस्टिक मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। जो कि अभी तक मुझे कोई इरिटेशन या फिर इचिंग महसूस नहीं हुआ, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये लिपस्टिक्स अच्छे हैं, क्योंकि मेरे लिए स्किन पर कोई गलत इफेक्ट नहीं दिया, वो ही मेरे लिए बहुत है। और अभी आते हैं इसके ड्यूरेशन के बारे में। ये स्किन पर लगाने के बाद काफ़ी देर तक रहता है और ये काफ़ी अच्छा है, और 500 के अंदर ये 16 कलर्स के शेड्स भी मिल रहे हैं। और इसका साइज़ देख के और इसका बॉक्स देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो मेरे हिसाब से ये माइक्रो मिनी टाइल किट का दो माइनस पॉइंट्स है। नंबर वन, ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी मतलब बहुत ही छोटा है। और नंबर टू, अगर आप इस लिपस्टिक्स को विंटर टाइम को छोड़ के बाकी जो सीजन्स होते हैं इंडिया में उस टेम्परेचर में रख देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, इसलिए आपको इसको ज़्यादा दिन चलाने के लिए आपको फ्रिज में रखना ही होगा, और वो भी हर वक्त। और इस वजह से अगर आप इसको बैग में रख के या फिर पर्स में रख कर लेके जाए कहीं पर, श्योर ये पिघल जाएगी। और इसी वजह से मेरा ऐसे बहुत सारे लिपस्टिक खराब भी हो गए थे। सो अगर आप कहीं आसपास जा रहे हो, वहाँ पे आप ये लिपस्टिक्स ले जा सकते हैं। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। इसमें की इंग्रेडिएंट्स में है विदारी कांड, मुलेठी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, पंजिष्ठा, खरेती, शतावरी, अमृता, आमरा बटर और वृक्षामला बटर। और इसके अदर इंग्रेडिएंट्स में भी बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स, नेचुरल फ्रूट ऑयल्स, एक्सट्रैक्ट्स और कुछ प्रिजर्वेटिव्स जो कि नॉन टॉक्सिक हैं। सो ये रहा आज का रिव्यू वीडियो ऑन जस्ट हर्ब्स माइक्रो मिनी ट्रायल किट, जो कि एक आयुर्वेदिक लिपस्टिक है। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है वो प्रेस करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँ तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो आज के लिए इतना ही, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।